अब इसके बाद हम सिस्टम्स को और देखते हैं। ये सिस्टम्स ऑफ कॉन्ग्रेंस, अगर हमारे पास एक से ज्यादा कॉन्ग्रेंसेस हैं, हमने दो के लिए देखा था जिसमें चाइनीज सिमेंडेस थ्योरम के जरिए हमने सॉल्व किया था। अब इसके बाद अगर जी कुछ पूछना है क्वेश्चन जी, अच्छा अब इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा चाइनीज रिमेंडर थ्योरम में, उसमें ये होता था कि ये जो हमारे पास, अगर इसको मैं देखूं दोबारा आपको दिखाऊं, ये जो चीज है एक मिनट इसको ऊपर कर रहा हूं, तो इसमें ये और ये, इनके जीसीडीज पेयर वाइज जो है वो वन होने चाहिए थे। जो कंडीशन हमने लिखी थी कि इनके जीसीडीज जो है पेयर, यानी थ्री और फाइव का जीसीडी वन और थ्री और सेवन का जीसीडी वन, फाइव और सेवन का जीसीडी वन, पेयर वाइज जीसीडी जो है इनके वन थे। और दूसरे ये कि हमें क्या कहते हैं उसे, यहाँ तो क्लियरली नजर आ रहा था कि ये सारे जो है वो प्राइम है, तो जीसीडी जाहिर है कि वन होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। अब देखें ना, अब हम करते हैं, हमारे पास जनरल लीनियर सिस्टम है, तो जनरल लीनियर सिस्टम में ये जो लीनियर सिस्टम है, द लीनियर सिस्टम एक्स कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो एम एंड एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो एन, ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ GCD of M and N divides difference of A and B, यानी कि A minus B, ठीक, यानी कि ये solvable होगा उस वक्त जब M और N का GCD। अब यहां M और N के लिए condition नहीं, पहले पिछले वाले में जो आपने पढ़ा था उसमें condition क्या थी कि उन दोनों का GCD वन होना चाहिए था, अब condition नहीं है, यानी कि M अगर सिक्स है तो N एट भी हो सकता है, GCD वन नहीं है, टू है, ठीक है। पिछले वाले में तो जीसीडी वन होता था, तो वन तो हमेशा डिवाइड ही करेगा डिफरेंस को, वन तो हर चीज को डिवाइड करेगा, तो इस वजह से पिछले वाला तो सॉल्वेबल ही होता था क्योंकि जीसीडी हमने वन ले लिया था। लेकिन अब अगर जीसीडी वन नहीं है तो फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो फिर कंडीशन ये है कि वो जो जीसीडी है वो डिवाइड करेगा ए और बी के डिफरेंस को, और पहले जो सोल्यूशन होता था वो सोल्यूशन मॉड्यूलो इनका प्रोडक्ट होता था एम एन, आपने देखा था सारे का प्रोडक्ट, जैसे हमने एक एग्जांपल की थी उस एग्जांपल में आखिर में 105 आ गया था, ये 105 जो कि 105 जो है किसका प्रोडक्ट था, हमारे पास तीन थे, 357 का प्रोडक्ट था ये। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, अब क्योंकि ये इनका जीसीडी वन नहीं है, यानी कि दो नंबर है उनका जीसीडी वन नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो मॉड्यूलो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो मॉड्यूलो सोल्यूशन फिर उनका प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि मॉड्यूलो सॉल्यूशन ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो उनके एलसीएम आता है वहां पर, यानी कि उनका प्रोडक्ट नहीं आता, यानी कि पहले था मॉड्यूलो प्रोडक्ट ऑफ एम एन और जो भी जितने भी होते थे, अब हमारे पास क्या आएगा मॉड्यूलो जीसीडी, सॉरी मॉड्यूलो एलसीएम ऑफ एम एंड एन। तो व्हेन इट इज solvable the solution is unique modulo
एलसीएम ऑफ एम एंड एन। जीसीडी को देखें ऐसे लिखते हैं, यानी कि अगर आप लिख रहे हैं एम एंड एन तो ये क्या चीज है, ये है जीसीडी ऑफ एम एंड एन, और इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एलसीएम ऑफ एम एंड एन। ठीक, और एलसीएम आपको पता ही है कि जो है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देता है वो हमारे पास एलसीएम होता है। तो ये जो हमारे हमने स्टेटमेंट लिखा है कि द लीनियर सिस्टम, ये जो लीनियर सिस्टम है इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एम एंड एन डिवाइड ए माइनस बी। तो इसमें दो स्टेटमेंट आ गए, एक स्टेटमेंट ये है कि ये सॉल्वेबल है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ, कि जब ये इसको डिवाइड कर रहा है, और फिर उसका दूसरा स्टेटमेंट ये आ गया कि व्हेन इट इज सॉल्वेबल द सॉल्यूशन इज यूनिक मॉड्यूलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो चीजें जो हैं वो आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, एक तो ये कि यानी कि अगर ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है तो ये समझ लें कि हाँ जी, ये समझ लीजिए कि एक रिजल्ट है, इस जो है स्टेटमेंट को आप प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये सॉल्व, तो आपको अगर ये शो करना है कि ये सॉल्वेबल है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ, तो आप ये ले लेंगे कि सपोज सिस्टम इज सॉल्वेबल, आपने अस्यूम कर लिया कि सिस्टम सॉल्वेबल है, दैट इज अगर सॉल्वेबल है तो अब ये प्रूव करना है कि जीसीडी ऑफ एम एंड एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। तो लेकिन अगर सॉल्वेबल आपने ले लिया तो इसका जाहिर है कोई सोल्यूशन होगा, कॉमन सोल्यूशन। तो आपने कहा सपोज सिस्टम इज सॉल्वेबल, दैट इज एक्स नल इज ए सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ सपोज सिस्टम इज सॉल्वेबल दैट इज एक्सनल इज ए सोल्यूशन, हमने अस्यूम कर लिया कि एक्सनल इज ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। ठीक है, जो यहां पर लीनियर सिस्टम है हमने सपोज कर लिया कि एक्सनल इसका सोल्यूशन है, देन तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सनल इसको सेटिस्फाई करेगा इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि एक्सनल is congruent to a modulo m and x null is congruent to b modulo n, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद जो है वो हमने यहां पर लिखा कि फर्स्ट कांग्रेस जो है इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट कांग्रेस का मतलब ये होता है कि x naught is equals to a plus mk, a plus mk, mk, ठीक है, x null is equal to a plus mk, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां x null लिखा हुआ है उसकी जगह a plus mk लिखा जा सकता है। तो अब हमारे पास ये जो दूसरी वाली है इसमें हम a plus mk congruent to b modulo n लिख देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, दोनों तरफ ए जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम के इज कॉन्ग्रेंट टू बी माइनस ए मॉड्यूलो एम। अब ये सिंपली एक क्या बन गई, लीनियर कांग्रेंस बन गई। तो आपको पता है कि लीनियर कांग्रेंस का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ये लीनियर कांग्रेंस का यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका लीनियर कांग्रेंस का सोल्यूशन उस वक्त होगा k के लिए, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम k की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब जो k का कोएफिशिएंट है
वो डिवाइड करेगा, यानी के का जो कोएफिशिएंट है उसका जीसीडी एन के साथ जो होगा वो डिवाइड करेगा बी माइनस ए को, ठीक है ना। इस तरह से हमने पढ़ा था, याद होगा आपको कि अगर आपके पास ये होता था कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम होता था, तो हम ये कहते थे कि ए और एम का जीसीडी जो है वो डिवाइड करना चाहिए बी को, तो यूनिक सोल्यूशन होता था। तो इसके यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होगा के दी कॉन्ग्रेंस, क्योंकि ये तो पहले से हमने अस्यूम किया कि वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दी कॉन्ग्रेंस हैज ए सोल्यूशन फॉर के इफ एंड ओनली इफ। अब ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ये था रिजल्ट, तो ऐसे भी हम इफ एंड ओनली इफ लिख देते तो हमें फिर ये होगा कि ये If and only if के लिए converse इसका show करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो the congruence has a solution for K if and only if, if and only if if and only if क्या था M M L divides A B minus A GCD of M M and N divides B minus A B minus A। अब अगर m और n का GCD b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज m और n का GCD a माइनस b को भी डिवाइड करेगा, तो ये प्रूव हो गया, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ के साथ आपने प्रूव किया, तो ये पार्ट जो है पूरा प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये शो करना है कि व्हेन इट इज सॉल्वेबल, ठीक है, व्हेन इट इज सॉल्वेबल द सॉल्यूशन इज यूनिक मॉड्यूलो GCD of M and N, sorry LCM of, when it is solvable the solution is unique modulo LCM of M and N, ठीक है ना। तो हमने जो इससे पहले किया था इसमें देखें कि सोल्यूशन हमारे पास जो आता था वो सोल्यूशन आता था जो भी, जैसे कि हमने एक हमने किया था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से किया था और एक दूसरे तरीके से किया था सिर्फ, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रेंस थी, तीन कॉन्ग्रेंसेस थी 3, 5, 7, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आया था ये x कॉन्ग्रेंट टू 52 मॉड्यूलो 105 जो कि प्रोडक्ट है 3, 5, 7 का, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन वहां ये होती थी कि इनके जीसीडीज वन होते थे, यानी कि 3 और 5 का जीसीडी वन, 3 और 7 का जीसीडी वन, 5 और 7 का जीसीडी वन, इनके जीसीडीज सबके वन थे। यहां पे जीसीडी अब वन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए फिर कंडीशन ये हो गई कि जीसीडी जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब इसके बाद जो है दूसरी कंडीशन ये कि When it is solvable, the solution is unique modulo LCM of M and N. अब product नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? LCM आएगा, क्योंकि GCD 1 से ज्यादा है, तो GCD 1 से जब भी ज्यादा होगा तो यहाँ पर हम जो है हमेशा LCM लेंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने कि सपोज कर लिए, जाहिर है कि किसी चीज को यूनिक अगर शो करना होता है तो हम assume कर लेते हैं कि उसके दो सोल्यूशन है, तो हम यहाँ पर जो है इसके दो सोल्यूशन ले लेंगे, तो इसके लिए हमने लिखा एक तो ये कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये हमें पता है, तो सपोज सॉल्वेबल है ये हमने एस्यूम कर लिया कि सॉल्वेबल है, क्योंकि अरे व्हेन इट इज सॉल्वेबल, तो सॉल्वेबल होने का मतलब है कि हम ये सपोज करेंगे कि जीसीडी ऑफ एम एंड एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, एंड और जाहिर है कि सॉल्वेबल है तो उसका कोई सोल्यूशन होगा, and x null is a solution of linear system, और x null जो है linear system का कोई solution होगा। अब इसके बाद हम एक दूसरा solution ले लेंगे, ठीक है, तो हम ये suppose कर लेंगे कि let x1 be an arbitrary
सॉल्यूशन, ये हमने x1 इसका सॉल्यूशन लिया। अभी दोनों सॉल्यूशंस हैं तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यानी कि x null भी इसका सॉल्यूशन है, जैसे x null हमने यहाँ देखा था कि x null इसका सॉल्यूशन था, अब x1 भी इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि x null congruent to a modulo m और x null congruent to b modulo n, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि x1 is congruent to a modulo m और x1 is congruent to b modulo n, यानी कि दोनों जो है वो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है, x null भी और x1 भी। यहां तो कोई प्रॉब्लम? सर ये हम कॉन्ट्रडिक्शन शो करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं शो करना चाह रहे, हम ये बता देंगे बाद में कि इन दोनों से एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इस तरह की चीज कोई आ जाएगी, इस तरह की कोई चीज आ जाएगी, जैसे कि x1 is congruent to x null modulo m या x null congruent to x1 modulo m comma, इस तरह की हमारे पास कोई चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम जो है वो शो करना चाह रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि हमने दोनों सॉल्यूशन कहे हैं, तो दोनों सॉल्यूशन अगर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर हम लिखेंगे, ये वाले दोनों को, ऊपर वालों को, तो हम ये किस तरीके से जो है वो लिखेंगे इनको, इन दोनों को, तो हम इसको ये कहेंगे कि x1 is congruent to x null modulo m and x1 is congruent to x null modulo m, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है, ये बात ध्यान में रहे, तो ये क्योंकि दोनों सॉल्यूशन है तो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर दोनों दो चीजें सेटिस्फाई कर रही है तो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि x1 congruent to x null modulo m और या and x1 is congruent to x null modulo m, ये n, सॉरी ये लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, इस वाली congruent इसका हम ये इसको ये भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि इस वाली congruent को, कि m जो है ये डिवाइड करेगा x1 minus x1, ठीक है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं कि n डिवाइड करेगा किसको, x1 minus x null को। तो m भी डिवाइड कर रहा है x1 और x null को, और n भी डिवाइड कर रहा है x null minus x null को, ठीक है। तो अगर जो है ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, अगर इनका GCD 1 होता तो इनका प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ कि एक अलग से थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपके पास जो है एक नंबर है 4 जो कि डिवाइड कर रहा है फॉर एग्जाम्पल 36 को, ठीक है, और एक और नंबर है 9 जो कि डिवाइड कर रहा है 36 को। क्योंकि 4 और 9 का जीसीडी 1 है, 4 और 9 का जीसीडी 1 है, लिहाजा जब हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट लाजमी जो है वो डिवाइड करेगा इस 36 को, इसी नंबर को, ठीक है। लेकिन अगर जीसीडी जो है इसका 1 नहीं तो क्या होगा, अगर इसका जीसीडी 1 नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल
फोर डिवाइड कर रहा है 36 को और 6 डिवाइड कर रहा है 36 को, ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं 36 को, लेकिन यहां पर 4 और 6 का जीसीडी जो है वो 2 है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में ये होता है कि पहले तो हम लिखते थे डायरेक्टली प्रोडक्ट क्योंकि जीसीडी 1 होता था, तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि जीसीडी सॉरी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, नहीं हाँ वो एलसीएम तो मैं बताऊंगा आपको, प्रोडक्ट यानी के 4 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ 4 एंड 6, ये फिर डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, एक मिनट, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जीसीडी जो हमारे पास आएगा ये डिवाइड करेगा एक्चुअली उस 36, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 6 जो है वो होगा 24, 24 तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन अगर उसे जीसीडी से डिवाइड कर दें तो फिर डिवाइड करेगा। तो अगर जो है वो दो नंबर्स जो है वो डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ लेकिन ये हमारे पास ये एक रिजल्ट की वजह से, वो रिजल्ट तो हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि बहुत ही बेसिक रिजल्ट हैं, कि अगर हमारे पास जो है वो m किसी नंबर a को डिवाइड कर रहा हो एंड n किसी नंबर b को डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में m मल्टीप्लाई बी n डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ m n, ये डिवाइड करेगा, सॉरी ये b लिख दिया मैंने गलती से, ये b नहीं था ये भी a है। अगर m एक नंबर a को डिवाइड कर रहा है और n एक नंबर a को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जी सी डी है वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा लास्ट। इस चीज को हम कहते हैं, यानी कि कभी भी, एक तो एलसीएम तो हमने जीसीडी तो हमें पता है किस तरीके से निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट को जीसीडी से डिवाइड करते हैं, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जीसीडी ये कहलाता है एलसीएम, एम कॉमा एन, ठीक। तो इस तरह से अब आप ये देखिए कि यहां पर हमने कहा कि m डिवाइड कर रहा है इसको और n डिवाइड कर रहा है x1 माइनस x12, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय gcd यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय gcd m कॉमा n, ये डिवाइड करेगा x1 माइनस x12 को, एंड दिस इंप्लाइज ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं LCM। तो LCM ऑफ M एंड N ये डिवाइड करेगा X1 माइनस X null को। अब इसको हम congruent की फॉर्म में लिखें, congruent की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा X1 is congruent to X null modulo M कॉमा N, GCD ऑफ M कॉमा N, और यही हमें शो करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में, हमने ये एस्यूम कर लिया ना कि दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, फिर हमने बाद में कह दिया कि दोनों एक ही हैं, ये यही तो हमने ला दिया एक दोबारा। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखें, जैसे एक कॉन्ग्रेंस है x, ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर कह रहे हैं x कॉन्ग्रेंट टू 7 मॉड्यूलो 9, x कॉन्ग्रेंट टू 11 मॉड्यूलो 12, जी बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, एलसीएम की क्या जरूरत सॉल्यूशन के लिए, पहले तो ये चेक करें कि भाई ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, आपको तो ये देखना है पहले। और ये किस तरह से देखते हैं, 9 और 12 है,
नाइन और ट्वेल्व का जीसीडी लेंगे जो कि थ्री आएगा, ठीक है। ये देखते हैं डिवाइड कर रहा है इन दोनों के डिफरेंस को या नहीं, तो सेवन माइनस फोर को डिवाइड या माइनस फोर आ जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं करता, ठीक है, डज नॉट डिवाइड। तो इसका मतलब है कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से अगर यहां पे जो है वो नाइन की जगह मैं कर दूं, यानी इसी को थोड़ा सा जो है इन दोनों को मैं अपडेट करूं और यहां पे ये कर दिया जाए कि एक्स कॉन्ग्रुएंट टू सेवन मॉड्यूलो टेन और ये एक्स कॉन्ग्रुएंट टू इलेवन मॉड्यूलो टेन, तो 10 और 12 का जीसीडी क्या होता है? 2 हो जाएगा सर, और 2 विल डिवाइड करेगा और 2 डिवाइड करेगा माइनस 4 को, या 11 माइनस 7 4 ले लीजिए, तो इस तरह से जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सिस्टम इज सॉल्वेबल, सॉल्वेबल सिस्टम इज सॉल्वेबल, ठीक है, सिस्टम जो है वो सॉल्वेबल है, ये हमें जो है वो पता चल गया। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x बराबर होगा 7 प्लस 10 t, 10 t कर दें या 10 t 1 कर दीजिए, ठीक है, सिंपली ऐसे लिखा ना, तो 10t1 कर दीजिए, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए और इसको पुट कर दीजिए, पुट इन 2, 2 इंप्लाइज 7 प्लस 10 t1 कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 12। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो 10 p1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 12। अब क्या होगा, अब ये देखेंगे कि ये जीसीडी जो है 10 और 4 का जीसीडी क्या होगा, 2, तो वो जो 2 होगा वो क्योंकि इसको भी डिवाइड करता है, तो ये अगर 2 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 6, ठीक है। अब ये मॉड्यूलो 6 में 5 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कैसे 5 का इनवर्स होगा मॉड्यूलो 6 में, माइनस 1 जी, फाइव टाइम्स फाइव, फाइव टाइम्स फाइव होता है 25, 25 वन के बराबर होता है, तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव टी वन कॉन्ग्रुएंट टू फाइव टाइम्स टू 10 मॉड्यूलो 6। अब ये फाइव टाइम्स फाइव जो है 25 टी वन कॉन्ग्रुएंट टू 10 जो होता है मॉड्यूलो 6 में 4 हो जाएगा, 4 मॉड्यूलो 6। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, ये 4 लिख दिया 10 की जगह और ये 25 की जगह 1 लिख देंगे, वो जी उसी तरह से लिखा, और इसी तरह से ये 25 है तो रिमाइंडर जो है वो 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो यानी कि t1 आ जाएगा, तो t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6। तो इस तरह से अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 t2, इसको पुट कर दीजिए 3 में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 इंप्लाइज, अभी देखिएगा खुद ब खुद जीसीडी जो है वो, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, से 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा,
नहीं नहीं एलसीएम फोर कैसे हो जाएगा, जीसीडी कितना है 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 तो 60 आएगा। तो अब आप देखिएगा जो सोल्यूशन होगा खुद ब खुद जो है वो सोल्यूशन मॉड्यूलो जो है वो 60 आ जाएगा। ठीक है तो x 3 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 प्लस 10 टी 1 तो 10 टी की जगह लिख देंगे 4 प्लस 60 तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 40 प्लस 60 टी तो x इज इक्वल टू 47 प्लस 60 टी। ये आप ऐसे लिख दें कि ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया तो x इज कॉन्ग्रेंट टू 47 मॉड्यूलो 60 और 60 दरअसल क्या है 60 जो है वो एलसीएम है 10 एंड 12 तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। ठीक है समझ में आया ये तो इस तरह से जो है ये हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अच्छा ये ज्यादा भी हो सकते हैं 2 से मतलब ये कि 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं तो एक ऐसी एग्जांपल करा देता हूँ जिसमें हमारे पास 3 आ रहे होंगे तो फिर हम इसके बाद जो सिस्टम होगा जनरल सिस्टम उसकी तरफ जो है वो चलेंगे। ठीक जी 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 कहिए सॉरी यहाँ पे ये जो 5 से मल्टीप्लाई किया उसकी वजह है कि हमें टी की वैल्यू निकालनी है ना तो टी का कोएफिशिएंट 1 करना है तो टी का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हम देखेंगे कि 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कब 1 आएगा तो 25 पे 1 आएगा ना यानी 25 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम्स 4 24 हो जाता है रिमाइंडर 1 आ जाता है। ये हमेशा रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि मॉड्यूलो 6 का मतलब है कि हर इंटीजर को 6 से डिवाइड कर दिया जो रिमाइंडर आया है वो लिख दीजिए आप तो रिमाइंडर जो है वो 1 लाना है तो कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए तो इस वजह से 25 किया है। ठीक है जी सर अब एक और देखते हैं एक एग्जांपल और है ये है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 8 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 9। ठीक है तो पेयर वाइज अब आप इसमें सब देखने होंगे तो अब आप जब पेयर वाइज इसमें देख रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि जीसीडी ऑफ 6 एंड 8 इसको डिवाइड करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से तो 4 माइनस 2 2 से तो डिवाइड करेगा जीसीडी ऑफ 6 एंड 8 2 होगा 2 डिवाइड करेगा 2 फिर जीसीडी ऑफ 6 एंड 9 इसको डिवाइड करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से तो 4 माइनस 1 3 तो 3 को डिवाइड करेगा तो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जीसीडी ऑफ 8 एंड 9 इसको डिवाइड करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1 तो 8 और 9 का जीसीडी भी 1 आएगा 1 1 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम इज सॉल्वेबल। ये तो पता चल गया कि सिस्टम सॉल्वेबल है अब इसके बाद हमें सिस्टम को सॉल्व करना है। सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करें हम तो इसके लिए हम ये करते हैं कि लिखेंगे कि पहला ले लीजिए x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6 तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 टी 1 इसको इक्वेशन
ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये तीन कॉन्ग्रेंसेज हैं और ये चौथी तो हम इक्वेशन को ही कहते हैं। अब इसको टू में रख दीजिए, सेकंड कॉन्ग्रेंस हो जाएगी फोर प्लस सिक्स टी वन मॉड्यूलो सॉरी कॉन्ग्रेंट टू टू मॉड्यूलो एट। तो अब आपके पास ये हो जाएगा सिक्स टी वन कॉन्ग्रेंट टू माइनस टू मॉड्यूलो एट। और ये माइनस टू जो है वो एट में कितना होगा जी, कितना होगा जी? सिक्स होगा, सिक्स मॉड्यूलो एट। अब ये जो है सिक्स और एट का जीसीडी जो है वो टू होगा जो कि डिवाइड कर रहा है इस टू को, तो टू से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा थ्री टी वन कॉन्ग्रेंट टू थ्री मॉड्यूलो फोर हो जाएगा। अब मॉड्यूलो फोर में थ्री का इन्वर्स होता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, थ्री से ही। तो थ्री मल्टीप्लाई विथ थ्री टी वन कॉन्ग्रेंट टू थ्री मल्टीप्लाई विथ थ्री, बल्कि ऐसे कर तो नाइन लिख दूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ ठीक है, बस ये आपके जहन में तो आ ही जाएगा कि थ्री से मल्टीप्लाई किया, नाइन टी वन कॉन्ग्रेंट टू नाइन मॉड्यूलो। अभी जो थ्री नाइन जो है वो होता है वन, टी वन कॉन्ग्रेंट टू वन मॉड्यूलो फोर। तो दिस इम्प्लाइज टी वन इज इक्वल टू वन प्लस फोर टी टू, इसको इक्वेशन फाइव कह दीजिए। इसको आप थ्री में रख दीजिए, तो थ्री इंप्लाइज वन प्लस फोर टी टू कॉन्ग्रेंट टू वन मॉड्यूलो नाइन जी, टू से डिवाइड किया ना इसको, क्योंकि जीसीडी इनका जो है अब ये खत्म हो जाएगा, तो ये जाएगा फोर टी टू इज कॉन्ग्रेंट टू जीरो मॉड्यूलो नाइन। फोर का इसमें मॉड्यूलो नाइन में होता है तो क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई बाई सेवन से करें, फोर सेवन, फोर मल्टीप्लाई बाई सेवन कितना होता है, ट्वेंटी एट, वो वन हो जाएगा ठीक है। तो टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू जीरो मॉड्यूलो नाइन। अरे पहले मैंने तो वो लिखा ही नहीं, ट्वेंटी सेवन लिख देता हूँ, ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट टी टू, टी टू होगा टू ठीक है। अब ये हो जाएगा टी टू इज कॉन्ग्रेंट टू जीरो मॉड्यूलो नाइन। अब ये हो जाएगा टी टू इज इक्वल टू जीरो प्लस नाइनटी, या टी टू इज इक्वल टू नाइनटी ठीक है। अब ये टी टू की वैल्यू आ गई नाइनटी, इसको क्या करें भाई, तो फाइव में लगा दें, तो ये हो जाएगा टी वन। एक हमसे जो है एक मिस्टेक हो गई है, हमने ये जो टी वन की वैल्यू है ये यहाँ पे रख दी टू में, जो कि नहीं रखनी चाहिए थी। एक मिनट में इसे रेस कर रहा हूँ, हमें तो एक्स की वैल्यू रखनी थी ना, हमें ये एक्स की वैल्यू यहाँ तो सही रखी कि एक्स की वैल्यू इक्वेशन टू में रख दी, इक्वेशन थ्री में एक्स की वैल्यू रखनी है ना, तो ये टी वन की वैल्यू ये यहाँ रखेंगे हम इसे फोर्टीन फोर, पहले फोर्टीन फोर फोर में रखेंगे, तो फोर इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बी वन प्लस फोर्टी,
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 24t2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 24t2। ये 6 हो गई, इसे आप पुट करें 3 में, पुट इन 3। जब भी कुछ अजीब सा रिजल्ट आ रहा था, तो ये जाएगा 10 प्लस 24t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 9। 24t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो 9। माइनस 1 होता है 8 के इक्वल, तो 24t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8। सर माइनस 1 से होगा माइनस 9 होगा, माइनस 10। हाँ ये माइनस 9 होगा, सही सही बात है, माइनस 9। माइनस 9 जो होता है वो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो मॉड्यूलो 9। अब आप क्या कीजिए, ये 24 है, तो 24 और 9 का जीसीडी कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 8t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3। तो अभी आपके पास हो जाएगा 2t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3। अभी जो 2 आ रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 4t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3। और अब ये आ जाएगा 4 जो होता है 1 होता है, तो t2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3। तो इस तरह से हमारे पास t2 आ जाएगा 0 प्लस 3t। तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 3t। इसको पुट कर दीजिए 6 में, पुट इन 6। सिक्स इंप्लाइज, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 24, टी टू की जगह रख दिया 3t, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 72t। तो ये हमारे पास आ गया, इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड्यूलो 72। तो ये इसका कंबाइन सॉल्यूशन इन तीनों का 72 जो है, अगर आप इनका एलसीएम लें 6 8 और 9 का, तो इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास 72 आएगा। ठीक जी, किस कहां पर, हाँ इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया है, नहीं नहीं 4 से डिवाइड नहीं किया, 8 जो है वो मॉड्यूलो 3 में 2 होता है, जब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसकी जगह 2 लिख दिया, ठीक है, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 4 हो जाए, 4 जो होता है वो मॉड्यूलो 3 में 1 होता है क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए। हाँ हाँ, अगर जीसीडी 1 हो तो फिर नहीं डिवाइड होता, और अगर जीसीडी जो है 1 नहीं होता तो वो उस नंबर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे डिवाइड नहीं होता, वो होता है जीसीडी से डिवाइड, ठीक है ना, वो जैसे डिवाइड कर रहे हैं सबको 2 से, तो इत्तेफाक से ऐसा होता है कि जीसीडी भी 2 ही होता है, तो इस वजह से उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। सर लेकिन हर दफा जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए ना सर, उसमें हर दफा ये इत्तेफाक ही हो रहा है, तो ये इसका मतलब हर दफा ऐसा ही होता होगा, हर दफा ऐसी होता है, लेकिन वो हमने इन जनरल जो है वो ऐसा होता है कि जिससे डिवाइड कर रहे होते, वहां पर हम जो है डिवाइड किसी और से कर रहे होते हैं, जो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, और उसके अलावा जो है क्योंकि हम जीसीडी से ही डिवाइड कर रहे होते हैं,
असल में सबको, ठीक है ना। अब मैं एक देखें इस तरह से बताता हूँ कि अच्छा ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट टू, और मॉड्यूलो ले लेते हैं, बल्कि मॉड्यूलो में भी ऐसा करते हैं कि एटीन ले लेते हैं, और एटीन है 24 ले लेते हैं, और यहां ले लेते हैं 18, तो 36 और 24 का जीसीडी क्या होगा? तो वैसे तो ये सॉल्वेबल ही नहीं है, क्योंकि ये 36 और 12, 24 का जीसीडी 12 होता है, वो 18 को डिवाइड करना चाहिए, वो डिविजिबल नहीं है। 48 कर देता हूँ, तो 36 और 24 का जीसीडी जो है वो कितना होगा? 12 होगा, वो इस 48 को डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं कि डिवाइड करेंगे 12 से, अच्छा अभी भी जीसीडी से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा तो ये 12 से डिवाइड, ये ज्यादा से भी हो सकता है क्या? ये 12 के अलावा 18 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि कोई और बड़ा नंबर लेता हूँ ना, 72 ले लेता हूँ, 72 ले रहा हूँ यार, 72। अब देखिए, ठीक है जी, नहीं तो देखिए अब ये क्या है कि जो है डिवाइड करेंगे ना, तो अब ये 36 और 24 का जीसीडी होगा, 36 और 24 का जीसीडी होगा 12, जो कि डिवाइड कर रहा है 72 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये जो है 36 और 72, तो 36 से पूरा डिवाइड हो सकता है, 36 से इसे डिवाइड करेंगे, इसे भी 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन इसे 36 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे जीसीडी से, जो कि 12 होगा, तो ये मॉड्यूलो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। इक्वेशन में अमूमन इस तरह से आ नहीं रहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है, जैसे ये वाली जो एग्जाम्पल आपको बताई गई, ये वाला देखिए, हमने क्या किया कि डिवाइड किया है, ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि जीसीडी जो है इन दोनों का 1 नहीं था, तो जीसीडी से डिवाइड करना पड़ता, तो जीसीडी 12 है, इसको जीसीडी से डिवाइड करेंगे और यहाँ जो डिवाइड होगा सर, लेकिन इसमें 72 जो है सर वो तो 0 ही है ना, 36x is congruent to 0 mod 24। हाँ वो 0 ही है, 0 ही आ जाएगा ये, तो बाद में इसको नेक्स्ट स्टेप में आप 0 लिख दीजिए, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हो सकता है कि बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन जो है ना वो यहाँ पे जीसीडी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ जीसीडी से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जो है वो जीसीडी से बड़े नंबर से डिवाइड आप कर सकते हैं, सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा कोई और क्वेश्चन है? अब इसके बाद दोबारा हम जो है वो लीनियर सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन अब जो लीनियर सिस्टम है ये कहलाते हैं 2x2 लीनियर सिस्टम। टू बाई टू लीनियर सिस्टम का मतलब है कि इस फॉर्म में होंगे, यानी दोनों वेरिएबल x और y जो है वो एक साथ एक कॉन्ग्रेंस में होंगे, यानी कि x प्लस बी वाई इज कॉन्ग्रेंट टू e
मॉड्यूलो एम, और सी एक्स प्लस डी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ मॉड्यूलो एम. यहाँ एक चीज जो है वो ये कि दोनों ये मॉड्यूलो एम है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास जो है एक सिस्टम है. ठीक, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रेंसेस हैज ए सॉल्यूशन x null is equal to x congruent to x null modulo m and y is congruent to y null modulo m. इसका मतलब होगा ये जो सोल्यूशन है ये दोनों congruences को satisfy कर रहा है. ठीक है, ये जो सिस्टम होगा ये सिस्टम दोनों कॉन्ग्रेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा होगा. अब एक एग्जांपल इसकी मैं आपको कराता हूं, एक एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास एक सिस्टम और वो इस तरह से है कि 2x प्लस 3y इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 13 और दूसरा के 3x प्लस 4y कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 13. ये हमारे पास सिस्टम है. इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा? हमारे पास x और y की फॉर्म में जो कॉन्ग्रेंस होगी वो इसका सोल्यूशन होगा. अब सॉल्व करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी समझ लीजिए मॉड्यूलो ये ऐसे ही है जैसे कि आप इससे पहले आप सॉल्व करते हुए आए हैं ऐसी इक्वेशन 2x plus 3y equals 4 और 3x plus 4y equals 5. लेकिन अब एक तो ये कि इंटीजर्स में सॉल्यूशन चाहिए और दूसरी चीज ये कि ये मॉड्यूलो 13 है दोनों, यानी कि अगर 13 से बड़ा कोई नंबर आएगा तो उसको जो है उसको मोड आउट कर दिया जाएगा. ठीक है, 13 से तो बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे जैसे कि आप इससे पहले करते हुए आने हैं. इसमें कोई खास चेंज नहीं है सिवाय इसके कि इसमें मॉड्यूलो मौजूद है. अब जैसे ये इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप कोएफिशिएंट एक जैसे करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे वाई को पहले वाले को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दें 3 से. तो इस तरह से 1 जो कॉन्ग्रेंस है इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से ही हो जाएगी 8x प्लस, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं किसी से, और ये हो जाएगी 8x प्लस 12y इज कॉन्ग्रुएंट टू और किससे हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 16. तो 16 को अगर मैं जो है वो मॉड्यूलो 13 है, चलें नेक्स्ट स्टेप. सर इसमें पहले चेक नहीं करेंगे कि ये सॉल्वेबल है या नहीं? इसमें जो है वो मतलब कि इसमें कैसे चेक करेंगे बताएं? या तो इंडिविजुअली चेक करें या फिर कंबाइंड कोई GCD वाला. तो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर इंटीजर में ही आएगा? देखिए साइमल्टेनियस है, आपके पास तो लीनियर कॉन्ग्रेंस आ जाएंगी, आपके पास का सोल्यूशन जो होगा लीनियर कॉन्ग्रेंस होगी, फिर वो लीनियर कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल है या नहीं तो वो एक अलग बात है. ओके, आपको इसका सोल्यूशन चाहिए लीनियर कॉन्ग्रेंस से. ठीक है, ओके सर.
तो इसको आप लिख दीजिए 8x प्लस 12y कॉन्ग्रेंट टू, और ये 16 है तो मॉड्यूलो 13 में ये 3 हो जाएगा, 3 मॉड्यूलो 13। और जो सेकंड वाला है इसे आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड वाले को आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 9x प्लस, और ये हो जाएगा 12y कॉन्ग्रेंट टू 15 मॉड्यूलो 13 टू मॉड्यूलो, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12y कॉन्ग्रेंट टू 15 जो है वो 2 हो जाएगा मॉड्यूलो 13। सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये खत्म हो जाएगा कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 13, ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स कॉन्ग्रेंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो 13, और x कॉन्ग्रेंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो 13 में क्या होगा 12 मॉड्यूलो 13। तो ये आपके पास आ गया x, अब इसे 1 या 2 दोनों में से किसी एक पर पुट कर दें, फॉर एग्जाम्पल आप 1 में पुट कर दीजिए, 1 इंप्लाइज 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई y is congruent to 4 modulo 13, 324 x की जगह 12 modulo 13 नहीं लिखेंगे, नहीं तो modulo 13 यहाँ लिख दिया, बार बार थोड़ी लिख सकते हैं, मतलब modulo 13 जो है यहाँ भी लिखें, सब में modulo 13 ही है एक्चुअली, यानी कि ये वो नंबर यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, सब मॉड्यूलो 13 के हो रहे हैं। यहाँ भी हमने नहीं किया था, अभी ये जो 16 आया था इसको भी मॉड्यूलो 13 कर दिया था, यहाँ कोएफिशिएंट होगा उसको भी मॉड्यूलो 13 कर देंगे, तो बार बार लिखते हैं, इसी वजह से एक तरफ लिखा जाता है एक्चुअली। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 पे मॉड्यूलो 13 है, इसका मतलब है कि पूरा जो आपके पास है कांग्रेस ये पूरे मॉड्यूलो 13 के साथ, ठीक है, तो ये होगा 24 क्या हो जाएगा 11 होगा, नहीं सर 2 हो जाएगा, 24 जो 2 भी नहीं होगा, 24 जो होगा वो 10 होगा, कितना 11 हो, अच्छा 11 सही है, 11 प्लस 3y इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड्यूलो 13, और 3y is congruent to minus 7 modulo 13। अब ये minus 7 जो है ये कितना होगा modulo 13 में 6 हो जाएगा, तो 3y congruent to 6 modulo 13 हो जाएगा, और ये जो 3 है इसके लिए क्या करें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 27 y, इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 54 मॉड्यूलो 13। 9 जो होता है ये, सॉरी 27 जो होता है ये मॉड्यूलो 13 में 1 होता है, तो y हो गया, 54 कितना होता है 2 होता है, 13 मल्टीप्लाई विद 26 52 तो 2 हो जाएगा मॉड्यूलो 13। तो ये आपने ये देखा था कि दो ही सोल्यूशन होंगे, इस तरह के सोल्यूशन होते हैं कि लीनियर कॉन्ग्रेंस आ जाए, तो ये 2x2 का सिस्टम होगा उसका जो सोल्यूशन होगा वो कॉन्ग्रेंसेस होंगे, ठीक है, इस तरह से कॉन्ग्रेंस होंगी, तो ये हमारे पास जो है कॉन्ग्रेंसेस आ गई। हाँ, हम ये जो कॉन्ग्रेंसेस हैं इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कॉन्ग्रेंसेस जो हैं ये वाकई इनका सोल्यूशन है या नहीं, यानी हमारे पास ये दो कॉन्ग्रेंस आ गई, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं किस तरीके से, कि हमारे पास
एक जो सोल्यूशन आया वो क्या है, मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ, बल्कि आप लोग बताते रहिए मुझे। सर एक मिनट ऊपर करेंगे, मिस हो गया जी जी। सोल्यूशन जो है वो है x congruent to 12 modulo 13, और दूसरा है y congruent to 2 modulo 13। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, वो हैं 2x plus 3y congruent to 4 modulo 13। अभी देखते हैं कि वेरीफाई होती है नहीं होती। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, कॉन्ग्रेंट टू, अभी 4 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो 2 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 24 24 प्लस 6 30, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मॉड्यूलो 13। तो ये वेरीफाई हो गई। इसी तरह से दूसरा वाला जो है वो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 3x plus 4y is congruent to 5 modulo 13। तो ये हो जाएगा 3 times 12 plus 4 times 2। इसको चेक कीजिए कि 3 times 12 36, 36 plus 8 कितना हो जाएगा, 44 13 में, तो 5 ही आ जाएगा। ये भी वेरीफाई होगा, ठीक है, ये वेरीफाइड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब ऐसा करते हैं कि 10 टू 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ और फिर उसके बाद जो है इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर आप आवरली का भी बता दें प्लीज, क्या क्या देंगे, लाइक कौन से एक्सरसाइज। ब्रेक के बाद जो है दोबारा जब आएंगे ना, जब क्लास बल्कि एंड जब हो रही होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।